तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी को पता होगा कि 26 जनवरी को अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन रिलीज होने वाली है, जो तमिलनाडु के ए मुरुगन नथम के जीवन पर आधारित सच्ची कहानी है। आखिर ए मुरुगन ने ऐसा क्या किया था कि उन पर एक फिल्म बन रही है और उसमें अक्षय कुमार एज अ हीरो काम करने वाले हैं। तो जब भी कोई स्त्री टाइम में या पीरियड में होती है, तब उनके धब्बे अपने कपड़े या शरीर पर न लगे, इसलिए सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन यह सैनिटरी नैपकिन्स इतने भी सस्ते नहीं आते थे कि पुअर और मिडिल क्लास फैमिली उसे अफोर्ड कर सके। पुअर और मिडिल क्लास फैमिली की महिलाएं सैनिटरी नैपकिन्स की बजाय कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करती थी, लेकिन कॉटन से इन्फेक्शन होने का डर सबसे ज़्यादा रहता था और इससे कई महिलाओं की मृत्यु भी हो जाती थी। कोका कोला की रेसिपी की तरह ही यह सैनिटरी नैपकिन कैसे बनते, ये भी एक मोनोपोली ही थी जो कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही जानती थी और उससे वो करोड़ों का बिजनेस कर रही थी। मुरुगन ने खुद रिसर्च करके यह मोनोपोली को तोड़ा और पुअर और मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सके ऐसे सस्ते सैनिटरी नैपकिन्स बनाए। तो चलिए मुरुगन की स्टोरी पहले से शुरू करते हैं। मुरुगन का जन्म तमिलनाडु के पप नायकम पुदूर नाम के गाँव में गरीब परिवार में हुआ। जब वो छोटे थे तब एक कार एक्सीडेंट में उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए उनकी माँ वनिता को गुजारा करने के लिए खेत में मजदूरी करनी पड़ी थी। यह देखकर मुरुगन ने भी 9वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और काम करने लगे। पटाखे बेचना, गन्ने का जूस निकालना, मूर्तियाँ बेचना, ये सब काम वो करने लगे। 15 साल की उम्र में वो कोयम्बतूर नौकरी की तलाश में आए और एक वर्कशॉप में हेल्पर की जॉब मिल गई, लेकिन वर्कशॉप में सब उसे छोटा बच्चा समझकर सिगरेट, पान और चाय के धक्के करवा देते। उस वर्कशॉप का मालिक पियकर था और उस पर काफ़ी सारा कर्जा भी था। रोज पैसा लेने वालों की लाइन लगती थी। एक दिन इन सबसे तंग आकर उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर गाँव जाने का फैसला किया और मुरुगन को वर्कशॉप दे दी। छोटे बड़े काम लेकर मुरुगन ने अपनी और अपनी दो बहनों की शादी करवाई। एक दिन दोपहर को जब वो खाना खाने के लिए घर आ रहे थे, तब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी शांति पीछे कुछ छुपा कर बाथरूम की ओर भागी। मुरुगन ने पूछा, पीछे क्या है? तब पत्नी ने कहा, आप इसमें दखलअंदाजी मत कीजिए। अब यार कोई भी पत्नी अपने पति को यह कह दे कि आप इसमें दखलअंदाजी मत कीजिए, तो पति सबसे ज़्यादा उसमें ही दखलअंदाजी करेगा। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। मुरुगन तो पीछे भागे और देखा कि शांति के हाथ में एक बदबूदार मेला कपड़ा था। मुरुगन ने पूछा, तुम पेड़ का इस्तेमाल नहीं करती? तब शांति ने कहा, अगर पेड़ में खर्चा करेंगे तो खुद का खर्चा काटना पड़ेगा। जो भी हो, मुरुगन तो गए मेडिकल स्टोर और ले आए पैकेट। घर पे आकर पेड़ देखा तो उसमें कुछ खास तो था नहीं, सिर्फ रू था और कॉटन था। तभी उन्होंने सोचा कि ये तो घर पे भी बन सकते हो और इससे सस्ते बन सकते हैं, तो उन्होंने बनाने का फैसला किया। वो तो गए बाजार और ले आए कपड़ा और रू। रू को कपड़े में लपेट कर पेड़ जैसा दिखने वाला आइटम बना दिया। फिर गए अपनी पत्नी शांति के पास और बोले, ये लो डार्लिंग, हमने बनाया है, जल्दी से ट्रायल ले लो और हमें बताओ कैसा है। पत्नी बोली, आप बड़े जल्दबाज हो, महीना तो खत्म होने दीजिए, आपकी मर्जी हो तब ट्रायल नहीं हो सकता। 3 हफ्ते बाद एक दिन पत्नी बोली, आपने वो पेड़ के अक्सर क्या दिया था, एकदम बेकार चीज है, मैं तो कपड़ा इस्तेमाल करूंगी। इस बात को मुरुगन ने चैलेंज की तरह लिया और बनाने लगे अलग अलग साइज और शेप के पेड़। लेकिन प्रॉब्लम था ट्रायल का। एक ट्रायल लेने के लिए महीना इंतजार करना पड़ा था। उन्होंने सोचा कि इस तरह तो सालों निकल जाएंगे, तो उन्होंने अपनी बहनों से इस बारे में बात की। बहनों को तो गुस्सा आ गया और कह दिया शांति से, ये भैया को क्या भूत चढ़ गया, उनसे कह देना अगर ये भूत सिर से उतर जाए तभी हमारे घर पे आए। यह सुनकर मुरुगन निराश हुए। बाद में उनको मेडिकल कॉलेज जाने का विचार आया। वो तो गए मेडिकल कॉलेज और 4-5 महिलाओं को बात की और कहा, आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ ये पेड़ का इस्तेमाल करना है और ये कैसा है इसका मुझे फीडबैक देना है। 1 महीने बाद वापस गए, सिर्फ 2 ही लड़कियों ने फीडबैक फॉर्म भरा था और 2 लड़कियाँ तो उनको देख के ही फटाफट फॉर्म भरने लगी थी। यह देखकर मुरुगन ने सोचा कि ऐसे गलत डेटा से कुछ सही नहीं होने वाला। अगर मेडिकल कॉलेज की लड़कियां ही इन विषयों पर चर्चा करने से दूर रहती है तो कुछ और उपाय सोचना पड़ेगा। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो खुद ही इस पेड़ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पुरुषों को तो ये सब होता ही नहीं है। तो उन्होंने अपने एक कसाई मित्र से बकरी का खून लिया और उसे एक फुटबॉल में भर दिया। यह बन गया उनका गर्भाशय। उस गर्भाशय को टूटी की मदद से पेड़ से कनेक्ट किया और वो पेड़ उन्होंने खुद पहन लिया। फिर वो चलते, साइकिल चलाते और वर्कशॉप में काम करते करते थोड़ी देर में उस फुटबॉल को दबाते जिससे खून उस पेड़ पर गिरे। इस एक्सपेरिमेंट में उनके पेड़ फैल गए, पूरे शरीर से बास आने लगती थी,
कई बार तो पैंट और लुंगी में भी धब्बे रह जाते थे। यह सब देखकर आड़ोस पड़ोस के लोग चर्चा करने लगे कि मुरुगन में तो कोई आत्मा घुस गई है, उनमें कोई भटकती बाई का साया है। उनकी पत्नी को भी उन पर शंका होने लगी कि लड़कियों को लाइन मारने के चक्कर में यह धंधा कर रहे हैं। और एक दिन भयंकर गुस्से में शांति घर छोड़कर चली गई। शांति चली गई तो उनको भी शांति हुई, वो फिर से अपनी रिसर्च में डूब गए। अब सभी लड़कियों को टेम्पल पेड़ के साथ काली प्लास्टिक की थैली देना भी शुरू कर दिया। शर्त सिर्फ इतनी कि पेड़ का इस्तेमाल करने के बाद उसे इस काली थैली के साथ वापस देना है। वो तो कभी कभी होममेड नैपकिन्स के साथ ब्रांडेड नैपकिन्स भी देते थे ताकि उन्हें उन दोनों के बीच का फर्क समझ में आए। ऐसे ही एक दिन वो अपने घर पर सभी पेड्स टेबल पर बिछा कर बैठे थे, तभी उनकी अम्मा ने दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह गए। बाहर जाकर खिड़की के पास खड़े रहकर बोले, अब तक मैं किसी का भी विश्वास नहीं करती थी, पर आज यह देखकर मुझे एहसास हो गया कि तुम पर जरूर कोई भूत का साया है और मुझे मिलने कभी मत आना। दूसरी तरफ मुरुगन ने तो अपने प्रयोग चालू ही रखे, लेकिन कंपनी के जैसे पेड़ बन ही नहीं रहे थे। गलती कहाँ हो रही है वो पता ही नहीं चल पा रहा था। वो ब्रांडेड पेड़ IIT बीट्स और सित्रा में बेचते थे, लेकिन सभी जगह से सेम ही रिपोर्ट आती थी कि इसमें कुछ मात्रा में सेल्यूलोस का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि कॉटन का यूज़ किया है। फिर वो सोचते थे कॉटन तो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, तो कंपनी के जैसे पेड़ क्यों नहीं बन रहे। फिर उनको यह पक्का हो गया कि कंपनियाँ सिर्फ कॉटन का इस्तेमाल नहीं करती, वो और भी कुछ इस्तेमाल करती है जिससे खून एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस जल्दी हो और खून के धब्बे कहीं और न लगे। खूब रिसर्च के बाद मुरुगन को ख्याल आया कि कंपनियां जिसे कॉटन कह रही है वो असल में कॉटन या सेल्यूलोस नहीं पर पाइनवुड फाइबर है, और पाइनवुड फाइबर किसी भी लिक्विड को जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है और प्रेशर देने पर वो अपना शेप भी चेंज नहीं करता, इसलिए कंपनियों के पैड पहनने में इतना कंफर्टेबल फील होता है। अब पाइनवुड फाइबर इंडिया में तो मिलता नहीं था, तो उन्होंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट किया और इंटरनेट की मदद से पाइनवुड फाइबर को मंगाया। थोड़े दिन में तो पार्सल घर पे आ गया। जल्दी जल्दी बॉक्स खोला, उनको तो ऐसा था कि अंदर से कॉटन के रोल जैसा कुछ निकलेगा, परंतु जब खोला तो दंग रह गए, सिर्फ लकड़े का एक बॉक्स ही था। वो तो कन्फ्यूज हो गए, हर रोज बॉक्स निकालते, बॉक्स देखते और वापस रख देते। एक दिन गलती से बॉक्स का कॉर्नर काटा और अंदर देखा तो फाइबर थे, और समझ गए कि इस मटेरियल का इस्तेमाल करके पेड़ बनाना हो तो 4-5 करोड़ का मशीन लाना पड़ेगा। उसके बाद के 2 साल मुरुगन ने सिर्फ और सिर्फ पाइन वुड को प्रोसेस करने वाली मशीनरी के संशोधन में निकाल दिए, ट्रायल एंड एरर। आखिरकार 2 साल के बाद उनकी मेहनत रंग आई और वो ऐसा मशीन अपनी वर्कशॉप में बना सके। सबसे पहला पैकेट लेके वो मेडिकल कॉलेज गए और इस बार तो लड़कियों का रिस्पॉन्स एकदम अलग और पॉजिटिव था। लड़कियाँ शर्माते शर्माते और पेड़ मांगने लगी। मुरुगन ने इस संशोधन के प्रचार के लिए खूब दौड़धाम भी की। सबसे पहले वो IIT मद्रास गए, लेकिन उनको अंग्रेजी बोलना तो आता नहीं था, तो उनको वहाँ पे भाव ही नहीं दे रहा था। फिर भी 2006 में IIT मद्रास में इनोवेशन फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज के कल्याण के लिए किए गए संशोधन के एक प्रदर्शन में उनको फर्स्ट प्राइज मिला। फिर तो अचानक ही सभी को मुरुगन में इंटरेस्ट आ गया। कौन है मुरुगन? टीवी वाले, मीडिया वाले, न्यूज़पेपर वाले सभी उनका इंटरव्यू लेना चाहते थे। इस प्रचार का यह फायदा हुआ कि उनकी पत्नी, माँ और बहनों ने उन्हें माफ कर दिया और शांति घर पे वापस आ गई। फिर उन्होंने अपने पेड़ को बाजार में लॉन्च करने का फैसला किया, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज भी दी, पर मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की कमी की वजह से प्रोडक्ट एकदम पिट गई। मुरुगन तो एकदम निराश हो गए। जो भी स्टॉक था वो अपनी पत्नी शांति को दे दिया और कहा, जल्द से तो इस्तेमाल करो, 10 साल तक लाने की जरूरत नहीं है। 2 महीने बाद शांति ने मुरुगन से कहा, आपने वो पेड़ बनाए थे ऐसे ही दूसरे बनाइए ना। तब वो चौंक उठे और बोले, अरे 15,000 पेड़ थे, क्या किया उनका? तब शांति बोली, वो तो सब बिक गए। मुरुगन तो चौंक गए, हाँ हमने नहीं बेचे, वो तुमने कैसे बेच डाले? तब शांति ने कहा, अरे वो तो कमाल की चीज है, मॉल लोग की सारी लेडीज को मैं हफ्ते से देती हूँ, 5-5 रुपए के 2 हफ्ते, किसी को 1-2 चाहिए तो भी दे देते हूँ। यह सुनकर मुरुगन को एक आइडिया आया कि हम खुद पेड़ बना के बेचने की बजाय यह मशीन को ही सारे देश की महिलाओं को दे दिया जाए तो उनका भी फायदा होगा और मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की झंझट भी नहीं होगी। 2009 में मुरुगन को ग्रासरूट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के समारंभ में राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल से पहला इनाम मिला। वो चाहते तो इससे करोड़ों रुपये बना सकते थे, पर उन्होंने गरीब महिलाओं के बारे में सोचकर बहुत ही कम मार्जिन के साथ वो मशीन बेचते हैं। वो आज भी बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, ऑफिस में खुद फोन उठाते हैं और आनंद प्राप्त करने के लिए प्रेम, पैसा, कीर्ति की अपेक्षा भी नहीं है।
मुरुगन से सीखने लायक बहुत कुछ है। सबसे पहला ये कि लोग क्या कहेंगे इस बारे में सोचना बंद कर दीजिए और आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए। दूसरा, सिर्फ अपना फायदा मत देखिए, दूसरों का भी क्या फायदा हो रहा है उसे भी देखिए। तीसरा, अगर मेहनत और संयम के साथ आप कुछ भी करोगे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। यह तो सिर्फ एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था मुरुगन के बारे में। अगर आपको उनके बारे में बहुत कुछ जानना है तो अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन देखने जरूर जाना। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक मारो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।